बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास वर्सा कैड कॉलेज के स्टूडेंट्स कैडेट्स मौजूद हैं, इनसे बातें करेंगे। आपका तारुफ? मेरा नाम शाह मोमिन है, मैं फर्स्ट ईयर क्लास से बिलोंग करता हूँ। मेरे मैट्रिक में 1055 नंबर है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, तो वर्सा कैड कॉलेज के बारे में बताएं कि वहाँ का एकेडमिक किस तरह? एकेडमिक तो माशाल्लाह बहुत अच्छे है। इस बार हमने 10th के जो मैट्रिक का रिजल्ट आ रहा था उसमें हमारे जो टॉपर थे सेकंड पोजीशन लिए, और इस तरह और भी सबका मेरिट मतलब नंबर सबके अच्छे आए। अच्छा, तो मतलब एकेडमिक के लिहाज से सही है। एकेडमिक लिहाज से टीचर स्टाफ किस तरह? टीचर भी वो हमारे साथ बहुत अच्छे स्टाफ मौजूद है, पीएचडी लेवल तक हमारे साथ मौजूद है जो कि बाहर मुल्कों से। अच्छा, क्लासेस में बंक वगैरह तो नहीं होते? नहीं नहीं, उस पर स्टूडेंट साहब बहुत सख्ती करते हैं, बंकिंग पे उन्हीं छोड़ते हैं, डायरेक्ट मतलब सस्पेंड एक्सपेल करते हैं। अच्छा, ये बताए कि को करिकुलर एक्टिविटीज में क्या क्या होता है, इंडोर आउटडोर दोनों? यार इसमें तो हमारे साथ स्पोर्ट्स बहुत होते हैं, हर किस्म का स्पोर्ट्स हमारे कॉलेज में पाए जाते हैं, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल और रग्बी भी है हमारे साथ, हॉकी भी हम खेलते हैं, बहुत से गेम हमारे साथ पाए जाते हैं। अभी रिसेंटली मैचेस हो गए जिसमें स्पोर्ट्स गाला हर हाउस ने अपनी कारकर्दगी दिखाई, जिसमें इकबाल हाउस जो कि टॉप पे रहा, इसी के साथ एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होती है। अच्छा, ये बताए कि फ़ीस स्ट्रक्चर किस तरह? फ़ीस तो अमूमन जो ऐसे आम बंदे उनके उनके 67 वो होते हैं 1000 पर मंथ नहीं, क्वार्टर होते हैं। अच्छा, क्वार्टर। और इसमें जो बोर्डिंग में रहते हैं तो उसका भी 67,000। और इसमें जो शुहदा के बच्चे हैं उनके लिए फुल फ्री है, किट के जो आइटम है सब कुछ उनके लिए फ्री है, और एफसी वाले को आधा फीस है। और इसमें जो टॉप 300 एंट्री से है उनको स्कॉलरशिप भी दी गई है, मैं खुद टॉप 3 में आया हूँ, मुझे भी स्कॉलरशिप दिया गया। माशाल्लाह माशाल्लाह। इसी के साथ हमारे कैड कॉलेज वर्सक में भी ओ लेवल का प्रोग्राम भी शुरू है जो कि इस साल सेकेंड बैच चल रहा है, तो इसी इंटरनेशनल लेवल पे मतलब हमारे कैडेट्स वर्सक के जाते हैं, उधर भी मतलब अपनी कारकर्दगी दिखाते हैं। चलो सही सही है। थैंक यू, शुक्रिया।